नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि वालों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि 7 मई से लेकर 17 मई का समय आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास समय साबित होने वाले हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में वह अपार खुशियों की प्राप्ति होगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ग्रहों की बदलती चाल व्यक्ति के जीवन काल में कई प्रकार के बड़े बदलाव करते हैं। और दोस्तों, जो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, जो व्यक्ति समझदार होते हैं, वह ग्रहों के साथ सावधानियों को भी रखते हैं। जी दोस्तों, और इसी प्रकार दोस्तों, यह समय भी आपके लिए बहुत ही बड़े मौके हैं। 7 मई से लेकर 17 मई के बीच चंद्रमा का जो गोचर होगा और सूर्य का जो गोचर होगा दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी स्थितियाँ लाने वाली है। आप सभी के जीवन काल में यश में पेशों को लेकर सभी आर्थिक तंगियां खत्म हो जाएंगी। पारिवारिक जीवन में भी आपको प्रेम पूर्ण व्यवहार बनेगा। शादी समाज में भी आपका मान सम्मान बना रहेगा। तो दोस्तों, इन सभी के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे कि यश में जो ग्रहों की स्थिति है, यह आपके प्रत्येक क्षेत्र पर, आपके लव लाइफ, घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र पर कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं, कौन कौन सी खुशखबरियां आपको देने वाले हैं। जय दोस्तों, भाई दोस्तों बात करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से माता रानी का स्मरण जय माता दी लिखकर कर दे। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जय दोस्तों, तो भाई दोस्तों सके साथ बात करते हैं। 7 मई से लेकर 17 मई का समय आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, यश में किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तथा जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को करने का बेहतरीन नजरिया भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, यश में आपकी आर्थिक स्थिति भी अति उत्तम रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं तथा दस्तावेज यश में संभाल कर रखें। खोने पर जो है इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, आपको बता दें कि जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वाभिमान पर भी पड़ सकता है। बच्चों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इससे उनमें सुरक्षा की भावना उपजेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि मन में यश में तरह तरह के विचार आने की वजह से आपकी एकाग्रता में भी कमी रहेगी। दोस्तों, किसी भी विषय में या फिर काम को पूरा करने की आपकी जो इच्छा होने के बावजूद भी आप उस पर यश में ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो दोस्तों इनसे सावधान रहे, इनसे बच कर रहे। यश में खुली हवा में या फिर निसर्ग में बिताया गया समय आपके मन को प्रसन्नता देगा। परिवार संबंधी झगड़े को मिटाने की कोशिश आपके द्वारा यश में हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही भाग्योदयदायक रहेगी। इसलिए दोस्तों, यश में उनकी किसी भी बात को जो किसी बात की अवहेलना ना करें। महिलाओं के लिए जो दिन होंगे उत्तम और लाभदायक दिन होंगे। दोस्तों, हर परिस्थिति में उन्हें सामना करने का हिम्मत और साहस भी यश में प्रदान करेगा। दोस्तों, साथ ही कभी कभी कुछ संबंधियों के प्रति नकारात्मक विचार भी आपके मन में आ सकते हैं, परंतु दोस्तों यश में जो है मन स्थिति पर काबू रखें तथा संबंधों को खराब होने से बचाएं, ये आपके लिए यश में बेहतर रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपको मिल रहे पेशे का निवेश करने की आपकी योजना और बेहतर बनाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी, जिसकी वजह से भविष्य में आपको बड़ा फायदा भी यश में मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों, अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर परिवार के साथ अधिक वक्त बिताने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आप कार्यस्थल में बड़ा धन लाभ को भी प्राप्त करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से नजदीकी लोगों के साथ चल रही गलतफहमी का भी यश में निवारण होगा तथा आपसी संबंध भी यश में ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, किसी प्रिय मित्र की सलाह से आशाएं और उम्मीदें की नई किरण भी यश में उदय होगा। इसके उपरांत दोस्तों, अगर संपत्ति के बंटवारे संबंधी कोई भी विवाद चल रहा है तो दोस्तों किसी की मदद द्वारा हल होने की उचित समय आ गया है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अपनी जो है मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय यश में ना लें, कोई भी काम यश में ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। युवा वर्ग भी प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्ययन और फिर करियर के साथ किसी प्रकार का समझौता ना करें, अन्यथा भविष्य में इनका नकारात्मक परिणाम भी आपके ऊपर हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, कायदे संबंधी कोई जानकारी पूरी न मिलने की वजह से आपके अंदर डर बन रहा है।
दोस्तों यश में किसी भी व्यवहार को करते समय उससे जुड़े व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होगी दोस्तों। लेकिन निर्णय के लिए पूरी तरह से उन पर निर्भर भी ना रहें, ये भी आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों, सामाजिक दायरा और अधिक विस्तृत होगा। पारिवारिक गतिविधियों में भी यश में कुछ व्यस्तता बनी रहेगी। घर के सदस्यों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना आपको जो है आत्मिक खुशी भी यश में देने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि निवेश संबंधी किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों यश में आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अगर कर्ज व फिर लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों पहले अपनी लिमिट का आप अवश्य ध्यान रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि आपको मिल रही सहायता और प्राप्त हो रहे जो है स्रोत का आप उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भविष्य में पछतावा भी हो सकता है। दोस्तों यश में आपको क्या करना है कि अपने वक्त को अधिक से अधिक काम पर ही लगाने की आपको कोशिश करना है। और दोस्तों आप बेकार की बातों में अपना वक्त को बर्बाद इसमें कर रहे हैं, तो इन पर भी ध्यान दें और अपने वक्त को बचाएं।